आकाश में और नरगिस फाखरी की आने वाली फिल्म अजहर का नया गाना रिलीज हुआ है। इस गाने के बोल हैं बोल दो ना जरा। इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज अरमान मलिक ने दी है और गाने को म्यूजिक अमाल मलिक ने दिया है। ये फिल्म पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर आधारित है। मोहम्मद ने 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। आपको बता दें कि अजहर फिल्म के निर्देशक टोनी डिसूजा है। इमरान हाशमी और नरगिस फाखरी के अलावा फिल्म में प्राची देसाई भी अहम रोल निभा रही है। अजहर 13 मई को रिलीज होगी। रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर अपकमिंग फिल्म बेफिक्रे का फर्स्ट लुक सामने आया है। खुद रणवीर ने इसे ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, यू वांटेड अ टीजर, यू गॉट इट, हियर्स प्रेजेंटिंग द बेफिक्रे फर्स्ट लुक। इसमें दोनों स्टार्स लिप लॉक करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। रणवीर सिंह बेफिक्रे के लिए हिप हॉप और टैंगो जैसे डांस सीख रहे हैं। बेफिक्रे एक रोमांटिक लव स्टोरी है। आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का जल्द ही एक दूसरे के साथ सामना होने वाला है। सुनने में आया है कि इन दोनों का फेस ऑफ 14 अप्रैल को होगा। हाल ही में ऐश्वर्या को सलमान के घर पर पार्टी में एक साथ देखा गया था, जहां संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को इनवाइट किया था और इस पार्टी में दोनों की फिल्मों की डेट को लेकर बातें हुई। बता दें कि निर्देशक उमंग कुमार की फिल्म सरबजीत का 14 अप्रैल को फर्स्ट ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नंदा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के कारण चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरें शेयर हुई हैं, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती नजर आ रही हैं। इन फोटोज में नाव्या अपना शराब का गिलास छुपाती दिख रही हैं। नाव्या की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आप फोटो में देख सकते हैं कि नाव्या के एक हाथ में सिगरेट नजर आ रही है और दूसरे हाथ से वो अपना शराब का गिलास मोबाइल से छुपाती दिख रही हैं। ये सभी फोटोज नाव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर नाव्या ने खुद ही अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, तो फिर वो शराब और सिगरेट को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? कपूर और टाइगर श्रॉफ के अभिनय से सजी आने वाली फिल्म बागी का एक नया गाना रिलीज हो गया है। इस गाने का नाम छम छम है। मोनाली ठाकुर और मीट ब्रदर्स ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। इस गाने में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ इस बात से ज्यादा खुश हैं कि वो दोनों बारिश में डांस कर रहे हैं। छम छम गाने की वीडियो देखकर लगता है कि इसकी शूटिंग रेलवे स्टेशन में हुई है। आपको बता दें कि इस गाने से पहले भी उनका एक गाना आया था जिसका नाम था सब तेरा, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। सब तेरा गाने को आवाज अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर ने दी है। बागी फिल्म के निर्देशक सबीर खान इस फिल्म को 29 अप्रैल को रिलीज करेंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।